नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहार और झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज। लोकसभा चुनावों को लेकर NDA में उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है और इसी बीच और अररिया से प्रदीप कुमार सिंह का नाम सामने आया है। जी हाँ, भाजपा नेता प्रदीप कुमार सिंह इस बार भाजपा के सीट पर NDA के सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अररिया को लेकर कई सारे बातें कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप सुने। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और पार्टी ने फिर से मेरे ऊपर आस्था जताई है और हम सब NDA गठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट हैं। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संपूर्ण मतदाता और संपूर्ण कार्यकर्ता में उत्साह है और देश में पुनः प्रधानमंत्री बने इसके लिए पूरी पार्टी, पूरे NDA गठबंधन एकजुट होकर के हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। और आज जो पुनः प्रधानमंत्री फिर से कैसे बने, उन्होंने जो 5 साल में जो काम करके दिखाया है, आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बोल रहा है, जय जयकार हो रहा है। तो भारत का शक्ति, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो विदेश नीति हो, आज दुनिया में वह दिखा दिया कि अगर भारत से कोई लगोगे, पाकिस्तान को बता दिया, तो पाकिस्तान आज खाने खाने और दाने दाने का मोहताज है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, चाहे वो आयुष्मान भारत जैसा योजना हो, कि हमने 25-50 हज़ार रुपया के चलते बीमार लोगों को मरते देखा, गरीब लोग। आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जैसे योजना दे करके 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड, जो गरीब भी अब अमीर की तरह इलाज कराएगा। बच्चा जन्म होता है तो 1500 रुपया मिलता था, अब 6 हज़ार मिलता है। कोई मरता है एक्सीडेंट में तो उसको 5 लाख टका मिलता है, और जब कोई खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाती है तो उसको भी 3000 रुपया मिलता है। तो जन्म से लेकर मरण तक चिंता करने वाली सरकार, वह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देन है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पर आस्था है। आज संपूर्ण देश और संपूर्ण अररिया जिला का लोग, किसी भी जाति मजहब का लोग है, वो कहता है कि जो प्रधानमंत्री जो शौर्य जो ताकत देश का बढ़ाया है, दुनिया में 3 देश है, एक अमेरिका जिन्होंने उसके वर्ल्ड टावर में जो हमला किया था, कहा था कि वो समा बिन लादेन जहाँ रहेगा उसको उठा के लाएंगे, वो दिखा दिया पाकिस्तान से उठा के। एक इजराइल देश है, उनके देश में अगर कोई एक घटना करता है आतंकवादी, तो उसके घर में घुस के मारता है। तीसरा देश दुनिया में वह भारत बन चुका है कि यह पाकिस्तान को बता दिया कि अगर मेरे यहाँ आकर के पुलवामा में घटना करोगे सैनिकों के साथ, तो हम तुम्हारे यहाँ घुस करके आतंकवादी को हवाई हमला करके मारेंगे। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ कि अररिया में कई नदियाँ बहती है, चाहे वो परवान हो, भलुआ हो, बकरा हो, कनकई हो, सुरसर हो, जैसी अनेकों नदियाँ हैं, जो बाढ़ आती है हजारों एकड़ जमीन का फसल को बर्बाद करती है, जान माल का क्षति करता है, घर का नुकसान करता है। यह कोसी का अभिशाप से हम लोग मुक्ति दिलाएंगे इससे। दूसरा कि अररिया में कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम चाहेंगे कि इस बार यहाँ का सांसद बनके पुनः भारत सरकार से एक अररिया में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो, ताकि गरीबों का इलाज हो सके। तीसरा है कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अभी एक बना है लेकिन कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, एजुकेशन के नाम पर यह पीछा है। और अररिया में मक्का का खेती भारी पैमाने पर यहाँ होता है और यहाँ पे एक मक्का का उद्योग लगना था लेकिन असामाजिक तत्व पिछले बार उसको बनने नहीं दिया। अगर मैं इस बार बन के जाता हूँ, लोग मुझे बनाएंगे, तो मक्के का एक बहुत बड़ा उद्योग यहाँ लगना है, और ताकि किसानों का मक्का का फसल का लाभ सीधे ज़्यादा रेट में उसका मिले। इस नाते हम लोगों को चिंता करेंगे किसान का, और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आज प्रधानमंत्री ने यह साबित किया है कि जो मजदूर रोज कमा के खाता है, वह बूढ़ा हो जाएगा 60 साल के बाद, कमा न सकेगा। उनका भी चिंता किया है कि 3000 रुपया महीना 60 साल के श्रम जो काम करके खाते हैं रोज, उनको दिया है। और यह बड़ा काम किया है, कोई छोटा काम नहीं। किसान को कोई भी आज तक नहीं देखा,
6000 रुपया साल में 5 एकड़ वाले जमीन तक का वह तय किया। एक किस्त तो 2000 लगभग लोगों को खाते में चला भी गया। तो किसान का, मजदूर का, बेरोजगार का और भारत का सौर्ज बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री चाहिए। और इसलिए लोग, हम लोगों को वोट दे या ना दे, लेकिन प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से बनाने के लिए लोग, और हम लोगों का सवर्णों का आरक्षण जो किसी ने नहीं दिया, और उन्होंने दिखाया सवर्णों में भी गरीबी है, बहुत गरीबी है। आज भी ऐसे लोग हैं हमारे पंडित जी जो पूजा पाठ करा के खाते हैं, उसको कोई नहीं है, और किसी ने उसका चिंता नहीं किया। उन्होंने 10% आरक्षण अलग से प्रावधान करके कानून बना करके उनको कर दिया। तो यह साबित कर दिया प्रधानमंत्री, चाहे वह दलित हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सवर्ण हो, सबका चिंता किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री पुनः बने, इसके लिए अररिया में बहुत सारा काम करने का है। कई नदियां हैं, बांध है, कई इलाके में रोड सड़क नहीं पहुंची है, बिजली खेत तक जाना है। चल भी रहा योजना कि किसान का खेत में जब बिजली पहुंच जाएगी तो डीजल का पैसा बच जाएगा, तो किसान खुशहाल हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक किसानों का आमदनी हम दोगुना कर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, प्रदीप कुमार सिंह ने कई बड़ी बातें की है, उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कहा है, और उन्होंने अररिया के पिछड़ेपन को लेकर भी चर्चा किया है। उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है, किसानों के हालात, बेरोजगारी, अररिया के पिछड़े होने के कई कारणों का उन्होंने चर्चा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो, उन्हें कोई जिताए या ना जिताए, लेकिन कम से कम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोग वोट उन्हें जरूर करें। इस तरह के और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, और देश दुनिया की तमाम खबरों को पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ने के लिए livecities.in पर विजिट करें। धन्यवाद।